इस वीडियो में बात करेंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स इन पंजाब फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड लाइब्रेरियंस अभी नोटिफिकेशन हुआ है, आज ही वो वीडियो डाला है। देखिए अभी मुझे सेकेंड वीडियो डालना पड़ रहा है, सुबह से अब तक जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन, कौन अप्लाई कर सकता है। एक्चुअली इतने कमेंट्स आए हैं जिनको मैंने कैटेगराइज किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर कैटेगराइज कर लिया है कि ऐसे बड़ा करके देख लो कि एज लिमिट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, नंबर ऑफ पेपर क्या होंगे, पंजाबी क्या 10th में पढ़ी होनी चाहिए जिन्होंने अप्लाई करना है। नॉन पंजाब के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, नॉन यूजीसी नेट कैंडिडेट। हाँ, इसी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए। वैसे भी आपको एलिजिबिलिटी यूजीसी गाइडलाइन की क्या है वो सारी इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। ओके, फॉर लाइब्रेरियन के आ रहे हैं कि उनके लिए नेट चाहिए या उनकी क्या प्रोसीजर है, लास्ट डेट फॉर्म फिल की क्या है, और व्हाट इज अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के जो कॉलेजेस हैं उनकी पोस्ट निकलनी है, निकल रही है। तो जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है विद डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। इनको सबसे पहले यह समझ लें कि जो प्रोसीजर होना है, फर्दर प्रोसीजर है, उसको ब्रीफ सा समझ लें, आपको क्लियर हो जाएगा। दो बातें हैं कि ये पहली तो बात ये है कि प्रोसीजर होगा क्या। ये प्रोसीजर है, इनको छोटा कर लेते हैं, यहाँ भी छोटा कर लेते हैं, और ये भी छोटा कर लो और इसको बड़ा कर लो। ओके, अच्छा, डीपीआई कॉलेजेस ने सबसे पहला काम क्या है कि नोटिफिकेशन दी है। नोटिफिकेशन में अभी तक आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, वो इंफॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए या और आपके जो पर्सनल चैनल है उनके जरिए आपको मिली है। अभी तक काम जो हुआ है वो डीपीआई ने इंफॉर्मेशन नहीं, इनको नोटिफाई किया है कि आपका ये काम है, ड्यूटी सौंपी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है। और पंजाबी यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इसमें पंजाबी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है, इन दोनों को फर्दर होना क्या है कि सब्जेक्ट्स की डिवीजन होगी। आधे सब्जेक्ट पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को मिल जाएंगे, आधे सब्जेक्ट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को मिल जाएंगे। ये मिलने के बाद दो सिलेक्शन कमेटी बनेगी, एक और दो, और इनके पेपर सेट भी ये करेंगे, जो सब्जेक्ट इनको मिलेंगे पेपर सेट ये करेंगे, और जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को मिलेंगे पेपर वो सेट करेंगे। याद रहे कि पीपीएससी को ये सब कुछ नहीं दिया गया, अगर उनको दिया जाता तो शायद 4-5-6 महीने ये इस प्रोसीजर को लग जाते। 45 डेज में करना है, मतलब 45 डेज में करना है। मुझे ये सेकंड वीडियो आज के दिन ही बनाना पड़ रहा है क्योंकि आज तक इतनी इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है, सुबह तक कल कुछ और होने वाला है, तो दैट इज वाई अभी आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। पेपर भी इन्होंने सेट करना है, कंडक्ट भी ये करेंगे अपने सब्जेक्ट का, ये अपने सब्जेक्ट का कंडक्ट करेंगे और रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया दोनों यूनिवर्सिटी का, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी में जब जो भी यहाँ डिसाइड होता है वो बुलाया जाएगा। कोई भी किसी तरह का और स्कोर शामिल नहीं किया गया। हाँ, जो गेस्ट फैकल्टी या एडहॉक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑलरेडी, उनके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, उनके लिए एज की रिलैक्सेशन भी है। तो ये प्रोसीजर होना है, हो सकता है कल या परसों तक एडवर्टाइजमेंट आ जाए। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो उसकी सारी सूचना डीपीआई से इधर आज या सुबह तक पहुंच जाएगी, हो सकता है सुबह तक एडवर्टाइजमेंट भी आ जाए, उसमें आपके सारे क्वेश्चन जो है ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, तो सेकंड बात है प्रोसीजर की, क्यों ये बात कर रहे हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में मेन ये प्रोसीजर में ये बात याद रखनी है कि क्योंकि ये किन की देख रहे हैं, आपको पता है कि अभी अपॉइंट हुए हैं हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी मिस्टर कृष्ण कुमार जी। आप उनके काम को अच्छी तरह से, सारा इंडिया जानता है कैसे होता है, कोई करप्शन का चांस नहीं है। वो जो ये आस में बैठे हैं कि हम कोई किसी और ढंग से ये छोड़ दीजिए, अपनी प्योर मेहनत कीजिए। ये 45 डेज भी नहीं है, 45 डेज तक तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना है, ये उन्होंने प्लान किया है। ठीक,
तो ये यूनिवर्सिटीज को क्यों दिया गया? क्योंकि कम समय में करना है और करप्शन से बचना है, पूरी तरह प्योरिटी में काम होना है। अच्छा, ओनली टेस्ट को बेस बनाया गया है और किसी चीज को आपकी मेरिट का बेस नहीं बनाया गया। हाँ, वो जो उनको वेटेज दी हुई है जो गवर्नमेंट कॉलेज में पहले से काम कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट बात है, उनका हक बनता है। अच्छा, इतनी सख्ती होगी कि अगर कोई इमोरल ड्यूटी या कोई सेटिंग करने की कोशिश करता है, कोई किसी की जो चीटिंग का कोई सोच रहे हो, तो ऐसा ऐसी रिजिड प्लानिंग है, ऐसी सख्त प्लानिंग है कि ऐसा कुछ नहीं होगा इस प्रोसीजर में। ओके, कोई दलालबाजी नहीं होगी, साफ कोई दलालबाजी नहीं होगी। तो आपको खुशी होनी चाहिए कि एक ईमानदार ऐसा ऑफिसर आए हैं जो जो आपके लिए ये तोहफे लेके आए हैं, जो जिनका जिनका कोई वो नहीं होता, जो कहते हैं ना भाईचारा या फिर ये वाला नहीं होता, बाकी आप समझ जाइए, उनके लिए सच में खुशखबरी है। बस आपकी मेहनत और आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी नॉलेज पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कि एज लिमिट क्या होगी। एज लिमिट की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। कुछ 40 जो एज पूछ रहे हैं कि 40 के हम हो चुके हैं, पॉसिबिलिटी है 37 से लेके 43 तक होने की एज लिमिट हो सकती है इसकी, 42 तक। एक सूत्र ने मुझे 45 तक भी बताया है। ठीक, तो इसको क्लियर उत्तर मत समझिए, ये कल या परसों तो एडवर्टाइजमेंट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा इसकी, इसमें एक बात तो पक्की है ना कि आपका जो 10+1 से आपकी स्टडी अभी शुरू हो जानी चाहिए। बाकी कौन से पेपर है, रिसर्च शामिल है या नहीं शामिल है, और कोई रेलिवेंट यूजीसी की गाइडलाइंस या यूनिवर्सिटी के अपने नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक कुछ भी होता है, ये भी अभी अनसर्टन है, कल पता चलेगा। अच्छा, बाकी एलिजिबिलिटी के लिए कि कौन अप्लाई कर सकता है, मेजर क्वेश्चन इन सभी क्वेश्चन का मेजर क्वेश्चन ये बनता है कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। उसके लिए आपके सामने डॉक्यूमेंट रख रहा हूं मैं, ये वाला यूजीसी रेगुलेशन की जो लेटेस्ट रेगुलेशन है 2018 की, ये 2018 की यूजीसी की रेगुलेशन है, आप खुद भी नेट से देख सकते हो। तो ये आपके लिए पढ़ना जानना जरूरी है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और एन एक्रेडिटेड टेस्ट, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्लेट सेट कई स्टेट्स में होता है, जिनके पास ही है, शेल रिमेन द मिनिमम, ये बात याद रखनी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इससे ज्यादा एलिजिबिलिटी पंजाब गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी एड कर सकती है जिसमें ये पोस्ट है। तो एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और इक्विवेलेंट पोस्ट वेयर एवर प्रोवाइडेड इन दीज रेगुलेशन फर्दर सेलेक्ट सेट शुड बी वैलिड एज मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही है आपके लिए जरूरी है, टू यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, हम पंजाब की बात कर रहे हैं। आगे जो जरूरी है, जिन्होंने ये पूछा है कि नेट हमारा क्लियर नहीं है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कुछ लोग कर सकते हैं, उसका जवाब है प्रोवाइडेड कैंडिडेट हु हैव अवार्डेड पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल पीएचडी एटसेट्रा, जो ये पीछे दिए गए हैं रेगुलेशन 2009 में दिया गया है, और द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड ये भी उसी में दिया गया है रेगुलेशन 2016 में। ठीक है, रेगुलेशन 2009 में आया था यूजीसी का, 2016 में आया था, उनमें ये दिया गया है, देयर सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मे बी ये बात आपके लिए नहीं जरूरी है, ये हाँ प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अवार्ड ऑफ डिग्री टू कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई, ये बात आपके लिए है सबसे जरूरी, जुलाई 2011 प्रायर टू 2011 से, मतलब 10 जुलाई 2009 तक जिसकी पीएचडी की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, ये है अवार्डेड कैंडिडेट रजिस्टर्ड
सिंपल बात है, 10 जुलाई 2009 तक जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, बेशक उसकी पीएचडी कल कंप्लीट हो रही है, जैसे मेरे परसों मेरे पीएचडी के स्टूडेंट का वाइवा है और वो सच में उसकी प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम थी कुछ, तो लेट हो गई काफी, तो वो एलिजिबल हो जाएगी, परसों वाइवा है तो वो एलिजिबल हो जाएगी। वो कैंडिडेट के पास नेट नहीं है, उसके पास भी नेट नहीं है, तो नेट के बिना ये कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार है, यूजीसी रेगुलेशन की इंडिकेशन जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट दी गई है। ओके, ऑर्डिनेंस एंड बाय लॉ इंस्टीट्यूट डिग्री, ऑल सच पीएचडी कैंडिडेट शैल बी एग्जम्प्टेड From the requirement of NET, National Eligibility Test, SLET and SET, ठीक है? For the recruitment of appointment of assistant professor or equivalent position in university or colleges, ये आपकी सारी वो satisfaction होगी। Institute subject of following, हाँ, वो उसकी PhD में, लेकिन ये चीजें जरूरी चाहिए, क्या चीजें? PhD degree candidate has been awarded regular mode में होनी चाहिए, mean अगर आपकी degree 11 जुलाई 2009 से पहले है लेकिन वो regular mode में नहीं है, जैसे IGNO की distance में थी वो रद्द कर दी गई थी, तो वो eligible नहीं है। PhD thesis has been awarded by at least two external examiner, ये mostly सभी universities को follow करती हैं, दो external examiner appoint किए जाते हैं, and open viva ये भी होता है, इसकी कोई problem नहीं है, open viva हुआ है। Candidate has published two research paper, आपके पब्लिश हुए होने चाहिए, हो सकता है जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, याद रखिए जब आपकी मान लीजिए मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, आपके वेरिफिकेशन है, हो सकता है कि आपके रिसर्च पेपर की वेरिफिकेशन भी बीच में शामिल हो। इसके अलावा है जो एक जर्नल है वो रेफरीड में हो, घबराने की बात नहीं है, मेरे ख्याल में ये शायद ना हो क्योंकि ये यूजीसी की रेगुलेशन में है, इसलिए आपके लिए नॉलेज के लिए आपको जरूरी है रेफरीड जर्नल में एक पेपर हो, एक किसी और में भी केयर लिस्ट में हो सकता है जो यूजीसी ने दी हुई है। द कैंडिडेट इज प्रेजेंटेड एटलीस्ट टू पेपर, दो पेपर आप किसी कॉन्फ्रेंस जैसे यूजीसी ने स्पॉन्सर किया, ICSSR ने, CSIR ने, किसी ने सिमिलर एजेंसी ने स्पॉन्सर किया है, उसमें प्रेजेंट किए हों, ये डॉक्यूमेंट है। ये पीएचडी जिन्होंने की हुई है लेकिन नेट क्लियर नहीं है, स्लेट क्लियर नहीं है, सेट क्लियर नहीं है, और 10 जुलाई 2009 तक उनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, वो लोग एलिजिबल हैं पंजाब की ये गवर्नमेंट जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करने के लिए। ये रहा वो। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइब्रेरियन जो हैं क्या उनके लिए नेट चाहिए, उनके लिए पॉइंट है यूजीसी रेगुलेशन 2018 में 4.7 है शायद, 4.7 जो लाइब्रेरियन के क्वेश्चन आए थे उनका आंसर देने के लिए ये आपके सामने रख रहा हूँ कि वेदर दे आर एलिजिबल, हु आर एलिजिबल। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी असिस्टेंट लाइब्रेरियन और कॉलेज लाइब्रेरियन, ये रहा कॉलेज लाइब्रेरी, ये पोस्ट कॉलेज लाइब्रेरी दी है। यूनिवर्सिटी असिस्टेंट लाइब्रेरियन और कॉलेज लाइब्रेरी, ए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, ओके, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन, ये डिग्री है डॉक्यूमेंटेशन साइंस, और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए, ये आपको पता ही होगा, नेचुरली नेट क्लियर है जिनका उनको तो पता है। एंड इक्विवेलेंट ग्रेड, अगर GPA है वो ग्रेड इक्वल चाहिए, डिवीजन इन्होंने दी हुई है तो आपके जिनके इससे ज़्यादा मार्क्स हैं जहाँ इनके इक्वल ग्रेड पॉइंट एवरेज है वो एलिजिबल हैं। एक कॉन्सिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी, ठीक, ये एलिजिबिलिटी बताई गई है लाइब्रेरियन के लिए। बिसाइड फुलफिलिंग अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका जवाब मिल गया कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उनका क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज दे आर नॉट एलिजिबल। हाँ, उन पर वही कंडीशन जो पीछे बता के आए हैं वो अप्लाई होती है।
नेट कंडक्टेड बाय यूजीसी आईसीएसआर सिमिलर, ओके उनको चाहिए नेट, ये बात क्लियर हो गई है। और हैव बीन अवार्डेड पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद यूजीसी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर, वही बात 2009 और 2016 की वही बात, उनकी भी 10 जुलाई 2009 से पहले यहां तक सॉरी पीएचडी की ओके रजिस्ट्रेशन हुई होनी चाहिए। अगर हुई है और अब तक उनको वाइवा हो चुका है, अवार्ड हो चुकी है, उनके पास नोटिफिकेशन उसकी पीएचडी की है, तो वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। प्रोवाइडर द कैंडिडेट रजिस्टर्ड प्रायर, आइए लिखा है, ये बात रिपीट है, बात करने की जरूरत नहीं है। और कंडीशन भी क्या है ये भी डिस्कस करके आए हैं। इट मीन जो कंडीशंस असिस्टेंट प्रोफेसर पर है एग्जैक्ट वही कंडीशंस लाइब्रेरियन पर अप्लाई हो रही। 17 पॉइंट कौन सा है, जो आपका क्वेश्चन है उसका उत्तर है नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। नो पर्सन शैल अपॉइंटेड टू एनी पोस्ट इन एनी सर्विस बाई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है, अनलेस ही हैज पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पंजाबी विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्वलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज विच मे बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सिंपल सी बात है, आपकी पंजाबी 10th तक पास होनी चाहिए इलेक्टिव या कंपल्सरी के रूप में। प्रोवाइडेड फर्दर द वेयर द वार हीरो, हाँ ये पॉइंट जरूरी है, किनको पंजाबी से एग्जम्पशन है। वार हीरो हु हैज बिन डिस्चार्ज फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी सफर्ड बाय हिम और हिज विडो डिपेंडेंट मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज अपॉइंटेड अंडर द इंस्ट्रक्शन इशूड इन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट द पर्सन सो अपॉइंटेड विल नॉट बी रिक्वायर्ड पोजेस एफोरसेड नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। किनको एग्जम्पशन है, डिफेंस सर्विस में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जहाँ जिनको कोई वो डिसेबिलिटी है जहाँ उनकी विडोज हैं डिपेंडेंट हैं फैमिली मेंबर उनको ये एग्जम्पशन दी गई है पंजाबी से। ये बात है कि जो डिफेंस सर्विस पर्सोनल है और पंजाब के रेजिडेंट हैं उनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है लेकिन उनको विद इन 2 ईयर ऑफ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पंजाबी पास करनी होगी। ठीक, तो ये भी एक तरह से एग्जम्पशन है, 2 साल काफ़ी है, 10वीं आप पास कर सकते हो, नेट पास कर गए हो तो 10वीं भी हो जाएगी, पता नहीं। ओके, तो ऐसी एग्जम्पशन है, अगर ऐसा कोई केस है तो उनको अप्लाई कर देना चाहिए। तैयारी कैसे करनी है, अगली वीडियो में थोड़ा जितनी मेरी औकात है उतना गाइड करने की कोशिश करूँगा। लास्ट है, व्हाट अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कॉलेजेस, एक्चुअल इसकी बात बाद में करते हैं फिर, यहाँ तक काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करता हूँ। थैंक यू।